पानीपत लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल भड़ौली ने आज गोहना विधानसभा के गुड्डा गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान मोहनलाल भड़ौली को लोगों का भारी समर्थन मिला। लोगों ने फूल मालाओं से गुड्डा गांव में पहुंचने पर स्वागत किया। मोहनलाल भड़ौली ने अपनी बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि आज देश व प्रदेश में मोदी ने जो काम किए हैं उससे देश व प्रदेश में बीजेपी की लहर है। इस बार भी हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। मोहनलाल भड़ौली ने सोनीपत व हिसार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को बदले जाने की चर्चा को मीडिया की देन बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मीडिया स्वतंत्र है, वो आज कुछ भी चला सकता है। बार हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, खाली आया था, लेकर रहा था, उठाना में जा रहा था, जरा इन्हें नमस्ते करने आ गया, इनका आशीर्वाद लेने आ गया, इनका प्यार और सहयोग लेने आ गया। किसने का समर्थन मिल रहा है सर? है जी, समर्थन किसने का मिल रहा है? समर्थन कैसे मिला लोगों का? आप देख रहे हैं, आपने देखा पूरी बार जो के बोल दिया, मेरा प्यार है जी इनसे, बहुत बढ़िया, सभी बार में मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। तो सर, रणदीप सिंह ने के इमाम अली जी के पति जो ने कितनी की थी, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे मेरा चुनाव जीतना है, मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों की हाजिरी लगा रहा हूँ, देश में क्या हो रहा है लंबी छोटी बातों का मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं जो काम हो रहा है, जब उन्होंने भारत का विकास मोदी आपका बहुत बड़ा लोगों में प्रेसिडेंट की इमेज है, उनके नाम की वोट है, भारतीय जनता पार्टी की वोट है, उसे लेकर जा रहा हूँ। मेरी याद चौधरी साहब जीत की वोट लेकर पार्टी के बाद दोबारा नजर नहीं आती सांसद। अब कह दिया, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।